नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप बड़जाती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नवजीवन क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आपको भारत के गवर्नर जनरल का एक पार्ट लेकर आया हूं कि कौन से गवर्नर जनरल ने क्या किया था और वो कब कब आए, उनके टाइम पर क्या हुआ, इसके बारे में इस पार्ट में बताऊंगा। और एक पार्ट बचेगा, वो अगले में बता दूंगा आपको। ये छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो होने वाला है, आप इसको देखना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। रॉबर्ट क्लाइव, यह था बंगाल का पहला गवर्नर। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, कहां का? बंगाल का बता रहा हूं मैं। अच्छा, फर्स्ट गवर्नर जनरल बन गया ये, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया? वॉरेन हेस्टिंग। और इसी के वक्त 1774 में उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय बना। उच्चतम न्यायालय किसके वक्त? वॉरेन हेस्टिंग के समय। और इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। कौन? एलिजा इम्पे। और इसी के वक्त एक और काम हुआ था 1780 के अंदर, बंगाल गजट। बंगाल गजट नामक एक पत्रिका चली थी, बंगाल गजट। जेम्स हिक्की ने इस बंगाल गजट का संपादन किया 1780 के अंदर। पहली बार किसी समाचार पत्र का वॉरेन हेस्टिंग के वक्त समाचार पत्र का संपादन हुआ। यह था कार्नवालिस। इसको तो बता, नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा जनक। और वेलेजली था, इसको बंगाल का शेर कहते हैं, बंगाल का शेर, ठीक है। विलियम बेंटिंक, ये विलियम बेंटिंक था ना, ये भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल। और इसी ने 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध, सती प्रथा पर बैन लगाया था, इसी ने किया था। राजा राममोहन राय के प्रयासों से हुआ था ये, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ, ये जो चार्ल्स मेटकॉफ था ना, इसको प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता। एलेनब्रो, इसने क्या किया? दास प्रथा, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत किसने किया था? एलेनब्रो ने दास प्रथा का अंत किया। कब? 1843 में, 1843 में दास प्रथा का अंत किसने किया था? एलेनब्रो ने। अच्छा, डलहौजी ने 1853 में इसी के वक्त रेल सेवा प्रारंभ हुई। क्या हुई? रेल सेवा। रेल सेवा किसके वक्त चली थी? डलहौजी के वक्त चली थी। केनिंग के समय आपको सबको ही पता है 1857 की क्रांति हुई, एक तो 18। और एक भारत का पहला वायसराय, वायसराय फर्स्ट, पहला वायसराय था ये भारत का, केनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछ ले तो भी केनिंग। अच्छा, और एक इसने क्या किया था कि विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसी ने, इसी के वक्त। देखो, ये नहीं है कि गवर्नर जनरल ये जो इंग्लैंड से आए थे ना, ये अंग्रेज की, सभी इन्होंने बुरे काम किए, नहीं, बहुत से ऐसे काम हैं जो ये बहुत ही अच्छे करके गए थे। विधवा पुनर्विवाह है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, भारत में रेल सेवा प्रारंभ कर दी, दास प्रथा का अंत कर दिया, मतलब बहुत से ऐसे काम है जिनके लिए इनको आज भी निसंदेह सराहा जाता है। बहुत से ऐसे काम थे, उनकी मैं कामों की तारीफ कर रहा हूं, ये भी आप ध्यान रख लेना। कुछ ये ऐसे काम है, बहुत ही अच्छे काम किए इन्होंने। अच्छा, इसके बाद आता है लॉर्ड मेयो। आपको पता है 1772 के अंदर पहली बार जनगणना, एक चीज तो ये हो गई। और एक और अच्छी चीज बताता हूं कि अजमेर की जो मेयो कॉलेज है ना, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड मेयो के द्वारा करी गई है। और अब आता है लॉर्ड रिपन, 1881 में व्यवस्थित रूप से जनगणना, व्यवस्थित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से गवर्नर जनरल जो भारत के हैं और भारत में कौन पहले बना, कौन बंगाल में आए, उनके बारे में बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा है ये सेशन, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।